मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया बल्कि गरीब अनुसूचित जाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में गुलामी को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त हथियार माना, जो पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उत्थान तथा समाज में उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद की कुप्रथा के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व कर इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज की वर्गीकरण संरचनाओं को बदलने, छुआछूत के उन्मूलन और निम्न वर्गों के लिए समान अधिकारों तथा न्याय की बहाली के लिए अथक प्रयास किए। जयराम ठाकुर ने देश के बाहरी राज्यों से प्रदेश वापिस आने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे एहतियात के तौर पर अपने घरों में ही स्वयं को क्वारंटीन करें। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने चक्कर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय का भी दौरा किया और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, विधायक बलबीर वर्मा और किशोरी लाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्बाल, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने भी इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे ऐसी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, जिनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस दृष्टि से उनके लिए हम संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ कर के काम कर सकें। ऐसी परिस्थिति में भारत का संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। आज भी हम इस बात से सहमत हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आगे बढ़कर के समाज हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां सामाजिक कुरीतियां, समाज में अभी तक जो विषमताएँ हैं और जाति की बातें अगर हम कहते हैं तो उन सारी बातों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहां मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, वहां यही कहना चाहूंगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है।